बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामीन। बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज की जानिब। ये मुझे हमारे नहायत प्यारे, बहुत ही प्यारे ये जनाब और स्पेशल पर्सन जिनके नाम मैंने तुरशावा बागात सीरीज वो इन्हीं के नाम कर दी थी। स्पेशल पर्सन हैं मोहम्मद आसिम साहब लैया वाले। उनके ही आज अभी अभी मुझे वॉइस मैसेज मिली तो सोचा कि ये आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। और ये इब्तदा भी जब की थी तो इन्हीं की आवाज़ में, इन्हीं के पैगाम से शुरू हुआ था। तो 43 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट्स जो हैं 43। अभी कुछ चीज़ें शायद रह गई हूँ, वो फर्दर करता रहूँगा। ये सर्वन समझ लें कि पार्ट 44 है। ये इसे आसिम साहब लैया वाले उनकी आवाज़ में और उनके जज्बात देखते हैं कि उन्होंने कितने देखे, कितने नहीं। ये ज़रा अभी उनकी आवाज़ सुनते हैं और उनकी वॉइस मैसेज जो अभी अभी मौसूल हुई है मुझे। जनाब डॉक्टर अशरफ साहबजादा साहब, अल्लाह अकबर, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत आपकी अल्लाह के करम से अच्छी हो। काफी दिन हो गए, 10-15 दिन के लिए मैं अपने गांव गया हुआ था, अनटच रहा। ओहो आपके 14 प्रोग्राम तक मैं सुनकर गया था। हा अब जब मैं वापस आया हूँ तो माशाल्लाह काफी सारे प्रोग्राम तकरीबन हा 40 के करीब हो चुके हैं 43 और है मैंने सुना है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि जिस तरह मेरे जहन में था अल्हम्दुलिल्लाह फास्फोरस पोटाश नाइट्रोजन की जिस तरह तफसील से आपने बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह यही हम चाहते थे कि हमें इस तरह तफसील से हर चीज का पता हो। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह किसान भाइयों को इन बातों का शायद ना पता हो कि इन चीजों का क्या फंक्शन है, क्या काम है, क्या अमल है। बहुत और अल्हम्दुलिल्लाह लाजवाब ढंग से वो आपने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, ये सीरीज बनाई है आपने। जितना भी आपको सराहा जाए कम है आपकी काविशों को, आपकी अल्लाह ताला, कोशिशों को। अल्लाह ताला आपको बहुत सलामत रखे। बेहतरीन, बाकमाल आपने काम किया डॉक्टर साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका बहुत बहुत अजर अता आमीन फरमाए। आप आमीन भी समझ लें कि ये अल्लाह एक तरह करे। से किसानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जिसने भी अगर आगे बागात लगाने हैं या जिनके पास बागात हैं, वो अगर इस पूरी सीरीज से फायदा उठाएं तो ये उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज होगी। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत अता फरमाए। मोहम्मद आसिम लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आसिम साहब अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और ये आप ही की बदौलत हुआ है सारा कुछ। अगर आप उस दिन ऐसा सवाल ना करते और जूं ही आपने बताया कि मैं बिनाई से महरूम हूँ, मैंने कहा यार इतना प्यारा सवाल कर रहे हैं तो क्यों ना हो ऐसे प्यारे जहन और ऐसे इंसान के नाम एक ऐसी सीरीज कर दूँ जो जब तक है मेरे प्रोग्राम्स ये याद रखे जाएं। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि एक मैंने आज से 10 साल पहले की बात है, 10 से भी ज़्यादा अरसा हो गया, वो मैंने की हुई है सीरीज़। वो है रेशम के कीड़े पालने पे, उसको कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर या रेशम के सिल्क वर्म रेयरिंग, तो वो भी सीरीज़ जो है, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है जितने आपकी किस्मत में आए। अभी 43 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। ये आज भी आपकी ही आवाज़ से ये 44 नंबर है इसका, उस सीरीज़ का पार्ट 44। और इंशाल्लाह ताला मैंने वादा किया हुआ है जो अभी कई एक चीज़ें रह गई हैं वो भी मैं पूरी कर दूंगा। इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा।
और ये वैसे भी सदका जारिया है, और मैं समझता हूँ इसका सवाब सबका सब मैं तो आपको देता हूँ, जिन्होंने ये आपने जिस अंदाज में जिस प्यार से मुझे कहा, और मैंने उसी वक्त, थोड़ा देर होती रही है लेकिन मैं लगा रहा हूँ, आपको पता है मैं बड़ा जो होता है जो भी बड़ी उसमें लगन से और एक कंसिस्टेंसी उसमें होती है कि ये नहीं कि मैं छोड़ दूँ बीच में। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखे ना, और इन्हीं में मेरा ख्याल है अभी 12,000 वीडियोस मेरी अपलोड हो चुकी हैं, और लेकिन आज चौथा दिन हुआ है लो अपलोड हुए 12,000 पे। मैंने सजदा हर 1,000 पे एक सजदा करता हूँ, तो 12,000 पे जब सजदा किया था तो उस दिन 21 तारीख थी, आज 24 तारीख है, 24 फरवरी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जारी है और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी आप लोगों की दुआएं हैं, और आप जैसे शफीक और प्यारे इंसान जो ऐसे खूबसूरत जहन के मालिक हैं, उनका मैं समझता हूँ कि इनकी कदर करनी चाहिए, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और इसी तरह आपका, बहरहाल ये सीरीज में चूंकि आपके नाम है, वो तकरीबन मैं हर प्रोग्राम में आपका जिक्र खैर है, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, पूरे लैया को सलाम, पूरे आपके जितने अजीजो अकरबा हैं बच्चे सबको सलाम, ठीक है, और दुआओं के लिए अर्ज है फी मानला। अल्लाह अकबर कबीरा। और मैंने चूंकि बहुत सारे प्रोग्राम सोलो किए हैं, और जितने भी सोलो प्रोग्राम किए हैं उनका इख्तिताम हमेशा हदीस मुबारक पर की है, लेकिन चूंकि इनके और भी सोलो प्रोग्राम्स में मैं हदीस कोट करता रहा हूँ, तो इस वक्त जो मेरे सामने हदीस मुबारक खुली है वो है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस रजी अल्लाह ताला अनहो से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े कयामत साहिबे कुरान यानी कुरान पढ़ने और उससे हिफ्ज करने वाले से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और दर्जे चढ़ता जा, और इस तरह तरतील से आहिस्ता आहिस्ता तलावत कर जैसे तू दुनिया में तरतील से पढ़ता था, चुनाचे तेरा मकाम वो होगा जहाँ तेरी आखिरी आयत की तलावत ख़त्म होगी। ये मैं अबू दाऊद तिर्मिजी से मैं कोट कर रहा हूँ, दुआओं में अर्ज याद रखें फी माल्ला।